हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लकीली इलेवन और मैं बात करने वाला हूँ कल का जो मैच होने वाला है इंग्लैंड वर्स अफगानिस्तान का जो मैच होने वाला है उसके बारे में। आज जो मैच हुआ था बांग्लादेश से वेस्ट इंडीज़ का, कोई नहीं सोचा था कि सब लोग इतना विन करेगा, इतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कोई लोग नहीं सोचा था कि बांग्लादेश विन कर जाएगा वेस्ट इंडीज़ की जैसे टीम के सामने में। जैसे आज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा धमाकेदार मैच होने वाला है। मैं आपको टीम दिया था, जैसे लकीली इलेवन जो टेलीग्राम चैनल में उसमें मैं क्लोज में टीम देता हूँ, आज भी मैं दिया था। आप देख सकते हैं ये वाला था मेरा चैनल जो मेरा वीडियो दिया था, आप बोले थे कि पूरा वीडियो देखो तब भी आपको पता चलेगा क्या टीम होने वाला है। मैं यहाँ पे टीम चैनल पे रोज देता हूँ, तो मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ज्वाइन हो जाइए तो आपके लिए आसानी होने वाला है टीम बनाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्लेयर का 11 भी दिया था, प्लेयर बैटल भी डाल दिया था और टॉस होने के बाद अपडेट भी कर दिया था कौन सा टीम बैटिंग करने वाला है या नहीं बना है। प्लेइंग 11 दो टीम को दे दिया था। अभी मैं ग्रैंडली के लिए सजेस्ट नहीं करता, फिर भी आप लोग बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम की इनबॉक्स में रिक्वेस्ट किया कि भाई ग्रैंड लीग की टीम चाहिए, तो मैं आपको अपडेट कर दिया था। क्योंकि हालांकि मैं भी खुद भी नहीं खेलता ग्रैंड लीग, मैं खेलता हूँ एक ही टीम से खेलता हूँ, कभी कभार खेलता हूँ बस। अगर 40-50 का भी लीग खेल लेता हूँ तो 100-150 विन होता है, 200-300 विन होता है, लेकिन मैं लाख दो लाख के लिए नहीं खेलता। क्योंकि लाख दो लाख के लिए ग्रैंड लीग में बहुत सारा टीम लगाना पड़ता है, मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं खुद भी नहीं खेलता। मैं खुद भी खेलूँगा तो आप लोग को सजेस्ट भी करूँगा। मैं भी लिखा दिया था ये सब टीम ओनली ग्रैंड लीग के लिए है, हालांकि मैं ग्रैंड लीग की सजेस्ट नहीं करता, फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट है तो कर दिया। सो बट नॉट अप्लाई इन स्मॉल लीग, मैं स्मॉल लीग की टीम दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो गलती के गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लिटन दास ने आज से पहले मैच खेला है तो पहला ही इतना धमाकेदार 94 रन की पारी खेला है, कोई नहीं पता था। हालांकि जो जानबूझ के ले लिया था तो वो इन किया तो, और एक गलती नहीं, तो बिल्कुल गलती नहीं है जो क्रिस गेल को मैं लिया था। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्लेयर है, टॉप प्लेयर है, लेकिन वो आज 0 रन में आउट हो गया था। बाकी सब प्लेयर मेरा चला था, साई होप्स में अच्छा परफॉर्मेंस, सोमो सरकर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, एविलियस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। साकिब की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो कैप्टन एज ए कैप्टन 200 पॉइंट दिया था। रसल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, विकेट लिया है, हालांकि बैटिंग में नहीं है। जैसन होल्डर भी रन किया अच्छा, मोहम्मद रहमान भी 3 विकेट डाला था, मोहम्मद सफ़ीद 2 विकेट लिया था, एस कॉटर और थॉमस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मतलब आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सभी मैच में टीम। जो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात में बोल दिया था स्मॉल के लिए फाइनल टीम कैप्टन अपने चूज लिया, बेस्ट ऑफ लक बोल दिया था। अभी आपको ऑप्शन दिया था कि अच्छा कैप्टन किसके लिए, ज़्यादातर लोग सकीब को बोला है, होप तमीम और लुइस अदर्स को नहीं, इतने लोग नहीं किया। कौन विन किया बांग्लादेश ने 100% लोग बोला था, लेकिन 100% विन किया था। मैं रोज ऐसे आपको अपडेट करता हूँ, ऐसे आपको फ़न के लिए, ऐसे आपको जो पूल रखता हूँ आप लोग ज्वाइन करते हैं अच्छा मुझे लगता है, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो आने के लिए। मैं आज बात करता हूँ क्या होगा आपका टीम के बारे में, डिटेल्सों को समझाते रहो। चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरा रामू राजीव, आप देख रहे लकी इलेवन। तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें पिच के आप देख सकते हैं ये पिच होने वाला है मैनचेस्टर के स्टेडियम में, जिसने इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच होता है उसी स्टेडियम में होने वाला है। ये बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा है, पेस बॉलर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इतने फेवरेज फास्ट इनिंग का स्कोर है 205 रन का है, फास्ट ओन हुआ, फास्ट बैटिंग ओन 4 मैच और सेकेंड बैटिंग में 6 मैच ओन किया, तो सेकेंड मैच में थोड़ा अच्छा होने वाला है। रिसेंट कुछ मैच से मिनी में देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का 219 में हुआ था, इंडिया ने 336 रन बनाया था, बांग्लादेश में 212 रन बनाया था। 9 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था, 3 विकेट स्पिन बॉलर ने। ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के मैच होते इसी वेन्यू में, जो ऑस्ट्रेलिया 205 रन बनाया था, इसमें इंग्लैंड में लॉस किया था, इंग्लैंड में ओन किया था 208 रन बना के। मोइन अली ने 4 विकेट और आदिल रशीद ने 1 विकेट लिया था, लियम प्लकेट में 1 विकेट लिया था। जॉस बटलर ने 110 रन का पारी खेले थे, उसमें भी 11 ने फास्ट बॉलर लिया था, 6 लोग ने स्पिन बॉलर विकेट लिया था। वेस्ट में सिंगल का मैच हुआ था इसी बीच में, आप देख सकते हो 17 में, उसमें भी वेस्ट इंडीज से 2-4 रन बनाया था, इंग्लैंड ने 210 रन का विक किया था, ब्रेन स्टोक ने 3 विकेट लिया था, आदिल रशीद और ईसो के 2 विकेट लिया था, मोइन अली ने 1 विकेट, जॉर्ज बेस्टो में 27 रन बनाया था, सेंचुरी डाला था 97 बॉल में, रूट ने भी 54 रन बनाया था। उसमें भी आप देख सकते हैं 9 फास्ट बॉलर में 3 स्पिन बॉलर लिया था। अभी बात करते हैं इंग्लैंड का इसी बीच में
परफॉर्मेंस की बात तो ईवन मॉर्गन 8 मैच में 220 रन बनाए, 37 के एवरेज में। बटलर ने 2 मैच में 185 रन बनाए था और बेस्ट ने 4 मैच में 130 रन बनाया था, 46 के एवरेज में। जेसन रॉय ने 3 मैच में 60 रन बनाया था 23 के एवरेज में। जॉय रूट ने 350 रन बनाया था 19 के एवरेज में। मोइन अली प्लंकेट राशिद देख सकते 4 मैच में 8 विकेट, 4 मैच में 6 विकेट, 4 मैच में 5 विकेट लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की जो इस बीच में कभी नहीं खेले गए लास्ट 5 साल में, तो एक ही मैच खेला था जो वर्ल्ड कप में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान में विन नहीं किया था, इंग्लैंड में विन किया था। अफगानिस्तान लास्ट 8 ओआईडी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि नूलाली जॉर्डन ने जचाई आर्शा ए साहिदी ये अफगान, मोहम्मद नबी, गुलदीप नाइब, इकराम अली खान, रशीद खान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, दौलत जदन और आलम ने देख सकते हैं आप। जैसे जदन ने पिछले कुछ मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन हालांकि लास्ट मैच में नहीं खेल पाया, लास्ट 2 मैच में 3 मैच में नहीं खेल पाया, तो एक्सपीरियंस प्ले हो सकता है। हाजिर अच्छा ने भी प्रत्येक मैच में अच्छा ही खेलता है, लेकिन कुछ लास्ट मैच में अच्छा और भी नहीं खेल रहा है। अर्शाद हर एक मैच में अच्छा खेल रहा है, आप देख सकते हैं अच्छा रन स्कोर है, शायद ने भी एवरेज खेल लेता है। अफगान ने पिछले मैच में अच्छा नहीं खेला, तो इसको कैप्टन का नतीजा तो लेता जाएगा, लेकिन आप इसको बात लीजिए। और मोहम्मद नबी बात तो हर एक मैच में अच्छा रन कर रही है, विकेट ले रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा पिक हो सकते हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। गुलदीप गुलदर नायब भी इससे मोहम्मद नबी की तरह अच्छा प्लेयर है। इकराम खान ने ओएडी इतना अच्छा नहीं खेला है, 2 मैच खेला है, 9 रन 2 रन बनाए, तो इसके लिए अच्छा पिक नहीं हो सकता, ये थोड़ा लेजी होने वाला है। रशीद खान की बात करें तो हर एक मैच में अच्छा वाली खेल रहा है, लास्ट 4-5 मैच में देख सकते हैं रन बना रही है, विकेट ले रहा है, कोई भी एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे ही जाके जा रहा है। दौलत जदन की बात करें तो फास्ट मैच में इतना परफॉर्मेंस ने फास्ट 4 मैच में उसे 5-6 विकेट लिया है, और ए एल एफ में देख सकते हैं फास्ट में 5 विकेट लिया था, दोनों आपके लिए अच्छे विकेट हो सकते हैं अगर कभी खेले तो। टॉस की बात आपको अपडेट कर दिया मेरे लकीली सिलेवर 11 टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन हो जाए, अगर तक नहीं आप ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ आएगा क्या टीम होगा। जो अभी आप इंग्लैंड के प्लेयर की बात करते हैं, जॉनी बेरिस्टो, जैसन रॉय, जोय रूट, इयान मॉर्गन, बेन स्टोक, जॉस बाटला, क्रिस ओक, जोफ्रा आर्चर, मार्को रादलशी, लियाम प्लंकेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉनी बेस्टो हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसन रॉय के बाद देखते हो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, ये ओपनर बैट्समैन, लेकिन कल शायद नहीं खेले इंजुरी की वजह में, आप देख सकते हैं इसका बहुत इंजुरी है, तो फिलहाल कल नहीं खेलने वाला, इसकी जगह क्रिस ओक फर्स्ट डाउन बैटिंग करेगा। तो जॉय रूट के बाद देख सकते भी अच्छा ऑप्शन होने वाला है आपके लिए, लियान मॉर्गन, बेन स्टोक अच्छा ऑप्शन होगा। जॉस बाटल की बात करती है आपको थर्ड डाउन खेलते दिख जाएगा, ये भी अच्छा हार्ड हिटर है, क्रिस ओक तो खेलते दिख ही जाएगा, जोफ्रा मार्को अदलशी लिम्बला के चारों को बॉलिंग करके कल शायद दिख जाए। अभी चेंजेस की बात करें तो जॉय रूट की जगह जय विंस शायद खेलने वाला है, तो ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा आफ्टर टॉस में, जॉइन दिल इलेवन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन हो जाए। अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे मोटिवेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको रोज़ाना ऐसे अपडेट वाला वीडियो लाता हूँ, तो मेरे साथ जुड़ रहिए। अब कल के जो डीमेल का फ्री कॉन्टेस्ट कोड होगा, ये कोड नीचे दिखाया जाएगा, इस कोड के साथ ज्वाइन हो जाइए, आज का जो विन हुआ उसका भी आपको फ्री पेटीएम कैश मिल जाएगा 100%। पर कल का जो विन हुआ था मतलब यस्टरडे का, तो उनको भाई को नहीं मिला अभी तक पेटीएम कैश, सॉरी भाई, तो मेरा पेटीएम में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं हर रोज़ ऐसे गिव अवे कॉन्टेस्ट देता हूँ, तो पेटीएम कोड मेरा ब्लॉक कर दिया है, दिखा दे रहा है कि 24 घंटे खुल जाएगा, मतलब कल शाम रात तक आपको मिल जाएगा, टेंशन का बात मत लीजिए। आपको अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ जाएगा वो कैसे कैश मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि टीम इलेवन के पहले जो आपका बहुत सारा ऐसी फैंटेसी लीग है, तो देख सकते हैं ये जो ऐप से फैंटेसी इलेवन, इसके भी अच्छा ऑप्शन है, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी वीडियो का लिंक, इसका भी ऐप्स का लिंक मिल जाएगा, रेफरल कोड में रेफरल कोड साथ ज्वाइन होइए, 30 रुपीज़ का बोनस मिल जाए, इसके आप ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हैं, 100% बोनस आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए टीम पहले देखा जाए, इंग्लैंड टीम होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यह से अब देख सकते हैं, मैं आपको कोई मैच ज्वाइन करके दिखाते रहा हूँ यहाँ पे आप विकेट कीपर की बात करें तो यहाँ पे आप जॉन जॉस बटलर को ले लीजिए, अगर बैट्समैन सेक्शन की बात है तो जॉय रूट को ले लीजिए, जॉनी जैसा रहा कल सब नहीं खेलने वाला, उसके इसमें का अच्छा नहीं, टीम टॉस के बाद अपडेट कर देगा, जॉनी बेरिस्टो को ले लीजिए, इयान मॉर्गन को ले लीजिए, हमदी शाहिदी को ले लीजिए,
আর সাকুল লিজিয়ে তো ইয়াপে অলম সেশন করতে মামুন নবী কুল লিজিয়ে বেন স্টোক কুল লিজিয়ে কিস ও কুল লিজিয়ে ইশা নিয়ে নিয়ে যায়গা দিকি ইয়াপে বসার অপশন মে লে চুকাও সাইজি কো হটা দে রাও ইয়াপে কিস ও কুল লে লেতাও তো ইয়াপে বোলার সেকশন কি বাত হতে জোফরা আচ্চার কুল লিজিয়ে রশিদ খান কুল লে লিজিয়ে और बात करें तो यहाँ पे मैं कितने क्रेडिट बचे हुआ है तो देख रही 6.5 तो इसके लिए कोई नहीं आने वाला है तो ऑलोन सेशन में मैं फिलहाल यहाँ पे बेन स्टोक हटा दे रहा बेन स्टोक हटा के यहाँ पे मैं 8.15 है तो यहाँ पे मैं फिलहाल तो मार्कूट को लेना चाहता हूँ मार्कूट से तो मेरा कितना क्रेडिट बचा हुआ है 7 क्रेडिट बैट्समैन सेक्शन की बात आते तो यहाँ पे मैं यह मॉर्गन को हटा दे रहा हूँ मॉर्गन हटा के जैसे को लेता हूँ जैसे को लेने से पहले मेरे कितने के द्वारा 7.5 तो ये समझ नहीं चलेगा तो मैं जेवेंस को लेता हूँ जेवेंस को लेने से मेरा क्रेडिट बचता है तो यहाँ पे मैं लियोन प्लंकेट को ले लेता हूँ 8 क्रेडिट बचा है मेरा से मैं लियोन प्लंकेट को ले लेने वीडियो की कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आते हैं तो यहाँ पे कैप्टन में जॉनी वेस्टो को डाल देता हूँ वाइस कैप्टन में यहाँ पे मोहम्मद नबी को डाल देता हूँ तो आपको लाइनअप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे टीम देख सकते हैं यहाँ पे मैं टीम बनाया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टीम देख सकते हैं जॉर्ज वाले कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे मैं जॉन वेस्टो को लिया वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी को लिया आप देख सकते हैं इस सभी आप चेकने वाला है फाइनल टीम आपको ये टीम 2 बजे बंद हो जाता है तो फाइनली आपको जॉइन मिल जाएगा जॉइन हो जाए उसका आपको सारा डिटेल्स में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अगर ऐप्स को जॉइन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका भी ऐप का लिंक मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड में उसके साथ जॉइन हो जाए 30 रुपीज का फी कैश मिलेगा जो बोनस के आपको पूरा रिप्लेस कर रहा है ग्रैंड लीग में तो और एक अच्छा ऑप्शन है जो इसमें आपको देख सकते हैं हाला प्ले जो पंडिया बाजार से ऐप देता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका भी वीडियो का इसका भी ऐप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाला प्ले का उसके लिंक को चाहे ज्वाइन डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाइए और मेरा रेफरल कोड के साथ ज्वाइन हो जाए तो आपको 20 रुपीज का मिलेगा इसके भी सेम आप ग्रैंड लीग का ज्वाइन कर सकते हैं टीम बना के देखा देता हूँ आपको इंग्लैंड का जो टीम होने वाला है कल हाला प्ले में आप देख सकते हैं या फिर मैं बना दे रहा हूँ और क्रिएटिव बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे रखो नीला रूट को लेता हूँ बैरिस्टो को लेता हूँ जचाई को लेता हूँ विंस को लेता हूँ तो यहाँ पे बोला सेक्शन की बात जो फ्राचर क्रिस ओक को मैं लेता हूँ और मेरा यहाँ पे देख सकते हैं लियोन प्लंकेट लेता हूँ मार्कूट को लेता हूँ तो ऑलराउंड से बात आती तो नबी को लेता हूँ गुलविदन नाइक को लेता हूँ तो विकेट की बात आते तो यहाँ पे मैं वहाँ से मैं जॉर्ज बटलर को लेता हूँ जॉर्ज को नहीं ले सकता क्योंकि मेरा क्रेडिट सिर्फ 10 ही बचा ये 9.5 है क्या लिखा है मेरे ख्याल सेम प्लेयर अलाउड फ्रॉम वन टीम तो मैं एक टीम का बहुत सारा प्लेयर ले लिया तो ऑलराउंड सेक्शन में मैं प्याट बॉलर सेक्शन में देख सकते यहाँ पे चारों में इंग्लैंड का बॉलर लिया तो यहाँ पे मैं लिए ब्लैंकेट को हटा देता हूँ तो रशीद खान को ले लेता हूँ विकेट की बात करें तो जॉर्ज बटलर को ले लेता हूँ आप देख सकते यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चूज करता एक ही प्लेयर को कैप्टन बना सकता हूँ तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे जोजोली वेस्टो के साथ जा रहा हूँ फाइनल टीम आप अपडेट कर जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मेरे नीचे वीडियो के लिंक पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन होइए अभी बात करते हैं तो ड्रीम11 की टीम के बारे में बहुत आसानी होने वाला है उसका टीम बनाना क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा वीडियो पूरा देखिए तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है क्रिएट टीम को आप जाता हो तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो टीम था तो यहाँ पे मैं जॉस बटलर को तो अच्छा ऑप्शन है ही फिलहाल तो मैं जॉनी बेरिस्टो के साथ जा रहा हूँ बैटमैन की बात करें तो रूट के साथ जा रहा हूँ आरशाह के साथ जा रहा हूँ इनके जचा के साथ जा रहा हूँ विंस के साथ जा रहा हूँ अभी ऑलराउंड से तो मोहम्मद नबी क्रिस ओर्क और गुरविंदर नायक के साथ जा रहा हूँ बॉलर सेक्शन के रशीद खान जोफ्रा आर्चर और बात करें तो यहाँ पे मैं फिलहाल तो मैं मार्कूट के साथ जा रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेफिन्स को हटा के मैं फिलहाल
ईवन मॉर्गन की सब भी जा सकता है। चीन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं छः इंग्लैंड का प्लेयर लिया और पांच ये अफगानिस्तान प्लेयर लिया। अभी देख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आते हैं तो यहाँ पे मैं कैप्टन तो रूट को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन सॉरी कैप्टन मैं वरिष्ठ को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे नबी को बनाऊंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे टीम मेरा बन गया, तो जो मेरा कॉन्टेस्ट टीम है अब देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं अब देख सकते हैं टीम यहाँ पे बहुत अच्छा बना है। ये आपको फाइनल टीम कॉपी कर दिया जाएगा जल्दी ही जल्दी, जो आपके लिए बहुत आसानी होने वाला है। तो भाई वीडियो आज के लिए इतना ही, जो जो मेरा आज का टीम लेके विन किया हो वो मेरा वीडियो पे कमेंट्स कर दीजिए, नीचे मेरा विनिंग अमाउंट बता दीजिए, मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के पर्सनल इनबॉक्स में आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मैं आप लोगों को पब्लिश कर पाऊँ, मेरे चैनल का जो मेरा जो टीम का असर है वही सबको दिखा पाऊँ। तो भी भाई आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए कल के लिए आपको बात करते, चलिए भाई जय हिंद वंदे मातरम।